स्थानीय निकाय चुनाव की पृष्ठभूमि में राज्य सरकार को बड़ा झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को स्थानीय निकायों में ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण नहीं देने का निर्देश दिए है। राज्य सरकार के अध्यादेश को स्वीकार नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र सरकार के अध्यादेश को अगली सुनवाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वार्ड निहाय ओबीसी आंकड़े जब तक उपलब्ध नहीं होते तब तक चुनाव नहीं हो सकते, इस तरह के एक अवलोकन को सुप्रीम कोर्ट ने सूचित किया है। इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर बावनकुले बोले, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निष्कर्ष के अनुसार कार्रवाई क्यों नहीं की गई। साथ ही बावनकुले बोले, राज्य सरकार के अकार्यक्षम शैली के चलते आज ओबीसी के स्थानीय निकाय चुनाव के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थगिति दी है। राज्य सरकार के विरोध में पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन करेगी, ऐसा भी पत्रकारों से संवाद साधते हुए बावनकुले द्वारा कहा गया है। महाविकास आघाड़ी सरकार ने षड्यंत्र करून ओबीसी समाजाचं आरक्षण हिसकावलंय। या सरकारला हे माहित होतं की 4 मार्च 2021 सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण कसं द्यावं ओबीसींना याचे क्लिअर कट निकाल दिला असताना 8 महिने टाइमपास केला। त्या 8 महिन्यामध्ये डेटा तयार करला असता, सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाप्रमाणे डेटा तयार करून आरक्षण देता आलं असतं, पण या सरकारने 8 महिने टाइमपास केला। मंत्री बोलघेवळेपणा करत राहिले, महाराष्ट्रातले मंत्री मोर्चे करत राहिले, मेळावे करत राहिले, पण कागदावर काहीच कारवाई केली नाही। ओबीसी आयोग तयार केला पण ओबीसी आयोगाला पैसाच दिला नाही। महिनाभराच्या आतमध्ये डेटा तयार करता आला असता, सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाप्रमाणे महिन्याभराच्या आतमध्ये आरक्षण देता आलं असतं, पण या सरकारला माहीत होतं की जर एखाद्या केसमध्ये निकाल आला आहे त्याप्रमाणे जर वागलो नाही आणि विपरीत अध्यादेश काढला तर तो अध्यादेश टिकणार नाही हे सरकारला माहीत होतं। या सरकारमधले काही झारीचे शुक्राचार्य, या सरकारच्या मंत्रिमंडळातले काही झारीचे शुक्राचार्य यांना ओबीसीच्या आरक्षणाच्या जागेवर सुभेदार आणि पैसेवाले लोक आणायचे आहेत हे त्यांनी षड्यंत्र करून जाणीवपूर्वक अध्यादेश काढला आणि ओबीसी समाजाला फसवलं, ओबीसी समाजाचा फुटबॉल केला।